बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स, दिस इज़ हमना बिन्त शहज़ाद। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड टू का यूनिट नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज़ रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड अप्रिशिएटिंग देयर डाइवर्सिटी, यानी लोगों की इज्जत करना और जो वो डिफरेंट कल्चर से आए हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, उसका एहतराम करना। तो चलते हैं स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम की तरफ। पेज नंबर 54, हमारा पहला आउटकम है Recognize that all human beings are equal and important. हम बच्चे इस काबिल हो सकें कि वो जान सकें कि तमाम इंसान बराबर हैं और अहम हैं। Identify that all human beings are similar but differ by family, culture, ethnicity, religion and should all be respected. वो जान सकें कि तमाम इंसान जो हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन वो फ़र्क भी हैं अपने ख़ानदानों के हिसाब से, अपने कल्चर से, अपने जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखते हैं उससे, अपने मज़हब के हिसाब से, और हर एक का एहतराम करना चाहिए। Recognize the need to respect all people as they are born equal and with dignity. इस बात को पहचान सकें कि हमें हर एक का एहतराम करना चाहिए और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि हर इंसान बराबर पैदा हुआ है और हर एक की इज्जत है। Identify ways in which they can show respect or for all, उन तरीकों को पहचान सकें जिन तरीकों से वो एक दूसरे को इज्जत देंगे। Identify occasions when it is important to wait for one's turn, उस मौके का पहचान सकें जिस मौके पर अपनी बारी की इंतज़ार करना लाजमी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर while speaking, बोलते वक्त, in school, स्कूल में कोई भी काम करते वक्त, क्लास में हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, on the bus stop, बस स्टॉप में कतार बनाकर, लाइन बनाकर, at canteen, जब अगर आपने कैंटीन से कुछ लेना है तो दूसरों को धक्का नहीं देना, अपनी बारी का इंतज़ार करना है, लाइन में लगना है, टिकटिंग काउंटर्स, कहीं से कोई टिकट लेनी है, कोई पेमेंट करना है, कोई बिल बनवाना है, तो वहाँ पर भी आपको लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करना है। अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नेसेसरी टू शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स नीड्स, इंटरेस्ट, ओपिनियंस एंड फीलिंग, उनको इस बात को जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि दूसरों के एहसास, जज्बात, पसंद, नापसंद, ज़रूरियात और ख्यालात की हमें इज्जत और एहतराम करना चाहिए। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। टीचर, इस वीडियो लेसन को पढ़ाने में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आई हो तो आप हमारी गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर जाकर रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकती हैं। रिसोर्सेज में हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज, लेसन प्लान्स, की बुक्स और मॉडल पेपर्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।